सर एक बहुत ही अहम सवाल है मन में आ रहा है सर। पूछे आशीष। सर आप बहुत अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं सर, और मैं समझ रहा हूँ सर, पर हाँ जी। सर जानना चाहता हूँ सर हमारी कंपनी का फ्यूचर क्या है सर। क्योंकि सर मार्केट में सर इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं सर, कुछ तो सर बंद भी हो गई हैं सर और कुछ बंद हो रही हैं सर। वाकई में आशीष, आपका सवाल वाकई में बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह के महत्वाकांक्षी हैं आप, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस सवाल का बहुत महत्व है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर समझ में आएगा तब आप उसके साथ आगे वक्त लगा पाएंगे और समय लगा पाएंगे। और वाकई में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वाकई में बहुत सारी कंपनियां बंद भी हुई हैं और बंद भी हो रही हैं। लेकिन आखिर इसमें फर्क क्या है और ग्लेज अलग कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझिएगा, एक उदाहरण देता हूं। आप बाजार में जाते हैं फल खरीदने के लिए, मान के चलिए सेब। मार्केट में अगर आप सेब लेने जाते हैं, एक सेब 60 रुपए किलो है, एक 90 रुपए किलो है, एक 120 रुपए किलो मिलता है, और शायद एक 150 और 200 रुपए किलो भी रेट मिलता है। क्या मार्केट में एक ही दुकान पर, एक ही बाजार में चार पांच तरह के रेट का सेब मिलता है? मिलता है सर। तो आखिर है तो चारों पांचों सेब, लेकिन उसमें आखिर रेट का अंतर क्यों, किस वजह से अलग अलग रेट है? क्वालिटी है होती है सर, क्वालिटी हाँ जी, क्वालिटी को लेकर सर रेट होता है सर, अप एंड डाउन। क्वालिटी की वजह से रेट होता है, क्वालिटी का फर्क होता है। वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप देख रहे हो, तो चेक करना चाहिए क्या वाकई में उस कंपनी में क्वालिटी है। जो उस कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी नीयत कैसी है, उनकी इंटेंशन कैसी है, आखिर उस कंपनी की सोच कैसी है। जो कंपनी के लोग हैं, जो उसके डायरेक्टर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कमाना चाहते हैं? मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिलेंगी। अब ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में, अब ऐसी कंपनियां क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहां पर, आप समझना जरा, आपको अगर 20 माले की बिल्डिंग पे जाना हो तो एक विकल्प है सीढ़ी से चल के जाना और एक विकल्प है लिफ्ट से जाना। आप सीढ़ी से जाना पसंद करोगे कि लिफ्ट से जाना पसंद करोगे? पसंद करूंगा सर मैं। आपकी तरह ज्यादातर लोग, हर कोई लिफ्ट से जाना ही पसंद करेगा। जीवन में ना शॉर्टकट सभी को पसंद है आशीष। ऐसे ही जब पैसा कमाने की बात आती है, तो ऐसी कंपनियां जो शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं, उन्हें मालूम है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो मार्केट में लुभावने प्लान लेकर आते हैं, जहां वो बोलते हैं आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, अरे उस कंपनी में तो इतना एफर्ट है, हमारे यहां तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना है, और इस तरह से आपको अपनी बातों में फंसाते हैं। ऐसी कंपनियों की लाइफ कभी 1 साल, कभी 2 साल और कभी 3 साल होती है, और बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में ही फंस जाते हैं। और ऐसी कंपनियों का, क्योंकि इन्होंने सही तरीके से तो काम किया नहीं है, इनका तो मकसद है पैसा समेटो और आगे चलो, तो ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं आशीष। इसी बात को समझाने के लिए ना एक प्रॉपर, एक बड़ा सेशन है, एक लंबा डिस्कशन है। जब आप और डिटेल में समझना चाहेंगे तो लगभग 1 घंटे में मैं आपको समझाऊंगा, जिसका नाम है ट्रिपल पी। पी 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 का पहला पी का मतलब है प्रोडक्ट। अगर आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करना है, तो सबसे पहले देखिए उसके प्रोडक्ट क्या हैं, दूसरे नंबर पे उसके प्लान क्या है। प्लान ऐसा हो जो आपको भरपूर पैसा तो दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा दे, पैसा ऐसा दे जिसको आप कैलकुलेट कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पी का मतलब प्रमोटर, यानी वो लोग जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी नॉलेज है, वो लोग कितने ज्ञानवान हैं, उनकी नीयत कैसी है। जब आप इन तीनों चीजों को देखोगे, उसके बाद एक कंपनी का चुनाव करना चाहिए। मार्केट में लोग इन तीनों चीजों को ठीक से देखते नहीं हैं,
और शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी कंपनी में चले जाते हैं और वैसी कंपनियां बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताया, रही बात ग्लेज की, ग्लेज कभी बंद नहीं होगी दोस्त। ग्लेज के बारे में कहा जा रहा है कि ये कंपनी हम अपने बच्चों को दे के जाएंगे। इस कंपनी को 17 वर्ष हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं इस कंपनी को आशीष। पूरे इंडिया के लगभग हर बड़े शहर में वेयर हाउस है। कंपनी ने करोड़ों रुपए का खर्च किया है, कंपनी ने बहुत बड़ा खर्च करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। इस लॉकडाउन के समय में जब पूरी दुनिया में माहौल शांत था, हमारे कंपनी के डायरेक्टर का विजन देखिए, ये इस कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं, तभी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेहतरीन क्लास लिखी है इस लॉकडाउन में, जिसका नाम है मिलेनियर मास्टर। एक बार आप देखिएगा, मैं बोलूंगा उस ट्रेनिंग को देखो आप। अगर देखने के बाद आप पूरी रात ठीक से सो नहीं पाओगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यार मैं आज से पहले कहां खोया हुआ था। जहां पे डायरेक्टर्स इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, जहां हम इंडिया के साथ विदेश में चलने की बात कह रहे हैं, अभी हमारी 17वीं वर्षगांठ पर हमारे डायरेक्टर्स ने भी मैसेज दिया है, ये कंपनी 17 वर्ष नहीं, इसको हम आगे 70 वर्ष तक भी देखेंगे। तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर का विजन और मिशन क्लियर है। और समझना आशीष, कंपनी ने इतना बड़ा काम फैला लिया है और कंपनी को लगातार फायदा हो रहा है, तो कोई अपनी चलती हुई दुकान को कभी बंद करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा सर। और इतना बड़ा, अगर दुकान बंद ही करनी है तो कभी क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा सर। ग्लेज के विजन और फ्यूचर की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, लॉकडाउन से पहले ना ग्लेज में काम करने का तरीका कुछ और था, जिससे कि ग्लेज को बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा था, कहीं ना कहीं कारोबार बहुत अधिक मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लंबी रेस का घोड़ा बनने वाले थे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी जानती थी कि इसकी वजह से बिजनेस डाउन आएगा, लेकिन कंपनी नहीं घबराई। कंपनी अगर शॉर्ट टर्म की सोचने वाली होती, सिर्फ अपना फायदा सोचने वाली होती, तो कभी भी वो बदलाव नहीं करती। कंपनी ने जो ये बदलाव किया है, इस समय ये कंपनी बहुत कम समय में पूरी दुनिया में छाने वाली है। ये कंपनी हम अपने बच्चों को देंगे और वो बच्चे हमारे अपने आगे बच्चों को देंगे। तो समझिए, कंपनी ने अपना नुकसान न देखते हुए कंपनी में इतना बड़ा बदलाव किया, डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी के भले के लिए, हम सबके भले के लिए। और जहां उसको जो भी नुकसान हुआ उसने झेला, वहीं दूसरी कंपनियां सिर्फ अपना फायदा सोचती है। ग्लेज के अंदर हमारे डायरेक्टर्स ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा सोचा है। तो आप समझिए, ग्लेज एक बहुत बड़ा जहाज है जो कि लगातार बढ़ता हुआ और फैलता हुआ जाएगा। और अब जो हमने सिस्टम लगा दिया है आशीष, और जो अगले महीने बिजनेस प्लान आ रहा है, वो पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान है। तो अब समझिए, अगर हमें बंद ही करना हो तो हम बेहतर प्लान क्यों लेकर आ रहे हैं, लगातार मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें नंबर 1 बनना है, हमें आगे बढ़ना है। तो समझिए, ग्लेज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका भविष्य बहुत बढ़िया है, यहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं। तो भरोसा कीजिए, ये जो एक नया बदलाव के साथ जो नया ग्लेज है, ये ग्लेज के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को बदल के रख देगा आशीष। बिल्कुल सर, आपकी बात सर, आपसे सुनकर सर अच्छा लग रहा है सर कि ग्लेज का जो फ्यूचर है सर, हमारी कंपनी का फ्यूचर है सर, वो काफ़ी उज्जवल है सर। मुझे सर पूरा भरोसा है सर आप पर सर, मेरे स्पॉन्सर पर और हमारी सर कंपनी के ऊपर। सर मुझे काफ़ी सर संतुष्टि मिल रही है सर आपसे और आप हमारी कंपनी का प्लान जानकर सर। थैंक यू सो मच सर, मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है सर।